हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। कैसे हैं आप सब लोग? फटाफट से आ जाइए और इस सेशन को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों में। जहाँ कहीं भी आप ऐड हैं, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पर आप ऐड हैं, उस जगह पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आई होप सो सबको मेरी वॉइस आ रही होगी क्लियरली, ऑडिबल और विजिबल भी होंगे। एक बार बता दो सभी लोगों को, क्या मैं ऑडिबल और विजिबल हूँ? एक बार बता दीजिए सभी लोगों को, क्या मैं ऑडिबल और विजिबल हूँ? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए, विश्वकर्मा पूजा की आप सभी लोगों को भी बधाई। ओके, और मिठाई खिलाने की जहाँ तक बात है, जाओ किसी भी दुकान में, ठीक है, रसगुल्ले रसगुल्ले जो मिठाई खानी है खाओ, उसके बाद पैसे मांगे मेरा नाम बता देना, और फिर भी मांगे तो दे देना, ठीक है। तो पैसे मांगे तो नाम बता देना मेरा, और फिर मांगे तो फिर भी दे देना, यही हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो सबसे पहले मैं सभी लोगों को बता दूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का बैच और नॉन टेक्निकल का बैच दोनों चल रहा है, ठीक है। आप चाहें तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को शुरुआत से पढ़ सकते हैं। करेंटली मैं बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और एकदम एनालाइज करके पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आप चाहें तो उस क्लास में लाइव आकर पढ़ सकते हो, ठीक। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो बैचेस हैं, एक साल के सब्सक्रिप्शन पर आपको ₹900 का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक, और एक दो साल के सब्सक्रिप्शन पर आपको ₹9720 का डिस्काउंट मिल रहा है। आप कोड यूज कर सकते हैं ASHISH10, ओके, कोड यूज कर सकते हैं ASHISH10, ओके। चलिए, इससे मिल जाएगा आपको 10% का डिस्काउंट। आगे बढ़ते हैं, तो ये आप देख सकते हो, ये मेरी प्रोफाइल है, सॉरी प्रोफाइल बोल रहा हूँ, SSC JEE एंड स्टेट AE की कैटेगरी में चल रही क्लासेस हैं, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहाँ मैं मेरी प्रोफाइल है, ये मेरी प्रोफाइल से मैंने लिया हुआ स्क्रीनशॉट है। तो ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल की क्लासेस चल रही हैं, मेरी भी क्लास चल रही है इसमें, और आप भी चाहें तो क्लास अटेंड कर सकते हैं। बस आप सब्सक्रिप्शन जैसे ही खरीदोगे, सब्जेक्ट को इनरोल कर लीजिए। अलग अलग फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट लेकर आ रही हैं। रत्नेश पांडे सर का कोर्स लॉन्च होने वाला है इस कैटेगरी में, ठीक है ना, रत्नेश पांडे सर का कोर्स लॉन्च होने वाला है इस कैटेगरी में। तो आपको उनका भी कोर्स मिलेगा, मेरा भी कोर्स मिलेगा, और भी सारे एजुकेटर्स का कोर्स मिलेगा। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है अनअकैडमी पर। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये बैच है, ये मेरी प्रोफाइल है, सभी लोग इस प्रोफाइल को फॉलो कर लेना। और सारी स्पेशल क्लासेस देखने के लिए फ्री अनलॉक कोड ये इस्तेमाल कीजिएगा, और इस प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा। सारी स्पेशल क्लासेस देखो, DC मशीन MCQs, पिछले 3 साल से लगातार स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जिसमें 10,000 से ज़्यादा MCQs को मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व कीजिए आंसर बताइए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व कीजिए आंसर बताइए भाई। ओके, सॉल्व एंड आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ आर इन ओम्स, शेयर कर दो भाई, शेयर जल्दी जल्दी क्लासेस शेयर करो यार, इस क्लास को शेयर करो, बुलाओ सभी लोगों को, कहाँ रह गए। जय श्री राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम बुलवा रहे हो, हमारे मुसलमान भाई जो है नाराज हो जाएंगे, कहेंगे सर आप सर कट्टरपंथी हिंदू हैं, सेक्युलर हैं आप, ठीक है, मत बुलवाओ, डाल धर्मों का हम आदर करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन,
सागर ब्लॉक कह रही है हाय सारी। अरे सारी नहीं सर, हाय सारी नहीं, सारी नहीं हूं मैं। कोई आया कहेगा हाय बेटी, ये सब ठीक है। आंसर करो, वैली ऑफ आर एन ओम्स। चलिए कुछ लोग कह रहे हैं 10, कुछ लोग कह रहे हैं 20। तो कह रहे हैं 30। देखो भाई, तो ये बात है कि यहां से 2 एम्पियर का करंट इधर चला गया, एक इसका मतलब मान लो कि इधर से आई आ रहा है, तो इधर बचा हुआ I-2 है। अब 100 माइनस 10 I, 100 माइनस 10 I माइनस 10 I माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 100 माइनस 20 I प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। हियर 20 I इक्वल्स टू 120, I इज इक्वल्स टू 6, विल गेट 6। इसका मतलब यहां पर जाने वाली करंट 4 एम्पियर है, इसका मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 40 वोल्ट है, इसका मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 40 वोल्ट है। और जब 2 एम्पियर का करंट है तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 40 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 20 ओम। 20 ओम इज द राइट आंसर। द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 20 ओम। आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 20 ओम। प्रथम दिन है, उनका स्वागत है भैया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और मेरे साथ जुड़ने के लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लीजिए आशीष सेन कोड के साथ। दूसरा क्वेश्चन आंसर करो। मैं आपको बता दूं आज कि एक और बात सुनिएगा ध्यान से, ये DFCCIL एग्जीक्यूटिव का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, दिस इज योर मॉक टेस्ट। 96 क्वेश्चंस हैं, एक 96 क्वेश्चंस को हम लोगों को 2 भागों में सॉल्व करना है, 2 भाग में। पहला अभी ये वीडियो है पार्ट 1, जो कि 6 PM पर आप लाइव हैं। सुनिए ध्यान से, आज DFCCIL का लाइव मॉक टेस्ट है, जिसमें आप पहले वीडियो में लाइव हैं 6 PM पर। दूसरा वीडियो पार्ट 2 जो है वो आपका कितने बजे होगा, रात को 9 बजे होगा, रात को 9 बजे होगा पार्ट 2। सभी लोग लाइव आइएगा। स्पेशल क्लास आपकी आज की स्पेशल क्लास 8 PM पर है, आज की स्पेशल क्लास 8 बजे है, आज की स्पेशल क्लास 8 बजे है, पार्ट 2 9 PM पर है, ठीक है। पार्ट 1 6 PM पर आप लाइव हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, पार्ट 2 पे भी सभी लोगों को लाइव आना है, ठीक है जी। पार्ट 2 में भी सभी लोगों को 9 बजे लाइव आना है, 8 बजे स्पेशल क्लासेस में भी लाइव आना है। और इसका आंसर है लेस देन द फुल लोड कॉपर लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स में जो आपका कोर लॉस होता है वो फुल लोड कॉपर लॉस से कम होता है, तभी हम कॉपर लॉस मैक्सिमम एफिशिएंसी पर आयरन लॉस के बराबर डिजाइन कर सकते हैं, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त हो सकती है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज सी, विच वन इज नॉट अ बेसिक लॉजिक गेट। पार्ट 2 भी यूट्यूब में ही है, हाँ जी पार्ट 2 यूट्यूब में ही है, रात में 9 बजे। पार्ट 2 भी यूट्यूब में ही है, रात में 9 बजे। पार्ट 2 भी यूट्यूब में ही है, रात में 9 बजे। पार्ट 2 भी यूट्यूब में ही है, रात में 9 बजे। अभी अभी बताया है, पार्ट 2 भी यूट्यूब में ही है, रात को 9 बजे, ठीक है जी। 9 बजे पार्ट 2 यूट्यूब में ही है, यूट्यूब में ही है। चलिए आंसर कीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक लॉजिक गेट। इनमें से कौन सा बेसिक लॉजिक गेट नहीं है? नैंड गेट जो है वो बेसिक लॉजिक गेट नहीं है, ये यूनिवर्सल गेट्स हैं, ये यूनिवर्सल गेट है, नैंड एंड नॉर यूनिवर्सल गेट है, दिस इज नॉट अ बेसिक लॉजिक गेट। दी आंसर इज राइट। नेक्स्ट, टेस्ला इज सेम एज
टेस्ला इज सेम एज, देखो एक कह रहा इलॉन मस्क, अरे भाई टेस्ला वो वाली टेस्ला नहीं, टेस्ला यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात की जा रही है, इलॉन मस्क सेम, इलॉन मस्क मालिक है उसके। टेस्ला इज सेम एज वेबर पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट आंसर इज बी। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता फाइव बाई ए, तो यहाँ इसका यूनिट हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, इज सेम एज वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अगला सवाल, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम ओवर एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, बताइए व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम ओवर एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। आंसर कीजिए भाई, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम ओवर एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ओके, डीसी सिस्टम इज इकोनॉमिकल फॉर लॉन्गर लाइन्स, देर इज नो स्किन इफेक्ट इन डीसी सिस्टम्स एंड कोरोना लिमिट्स आर हाइएस्ट फॉर डीसी सर्किट एज कंपेयर टू एसी सर्किट। करेक्ट आंसर इज डी ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर, ये सभी इसके एडवांटेज हैं। वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, एनएमआई स्टैंड्स फॉर माइक्रो प्रोसेसर का सवाल है। एनएमआई स्टैंड्स फॉर नॉन मास्क इंटरफेस, नॉन मास्केबल इंटरप्ट, नॉन मास्क इंटरैक्शन, नन ऑफ दीज। एनएमआई स्टैंड्स फॉर नॉन मास्क इंटरफेस, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। करेक्ट आंसर इज बी, एनएमआई स्टैंड्स फॉर नॉन मास्केबल इंटरप्ट, जिसको मास्क नहीं किया जा सकता, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ओके, तो ट्रैप जो होता है वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी पर होता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में, याद रखिएगा। एक करेक्ट आंसर इज बी, द डिसिपेशन फैक्टर ऑफ गुड डाइलेक्ट्रिक इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, गुड डाइलेक्ट्रिक का डिसिपेशन फैक्टर क्या होता है। आए हैं यहाँ पर एक हमारे पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता होते हैं प्रमोशन करने, आजकल प्रमोशन जो है वो कहीं पर भी चल रहा है। पार्टी से कहो मेरे को पैसा दे, मैं करूंगा प्रमोशन, क्या नाम है, आलोक कुमार। पार्टी से कहो मेरे को पैसा दे अच्छा खासा, तो मैं करूंगा प्रमोशन बढ़िया तरीके से, मत करो। डिसिपेशन फैक्टर ऑफ गुड डाइलेक्ट्रिक इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.0002। तो अच्छे डाइलेक्ट्रिक का जो डिसिपेशन फैक्टर होता है वो 0.0000, मतलब डिसिपेशन फैक्टर बहुत कम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि डाइलेक्ट्रिक लॉसेस बहुत कम होने चाहिए। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल, वोल्टेज अंडर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आर, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के अंदर जो वोल्टेज है वो कौन सा वोल्टेज कहा जाएगा, इन ऑप्शंस बताइएगा। वोल्टेज अंडर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस आर, करेक्ट वोल्टेज अंडर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस आर 1 kV एंड अबव, 11 kV एंड अबव, 132 kV एंड अबव, 230 kV एंड अबव। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का वोल्टेज कहा जाएगा 330 kV और उससे ज्यादा का वोल्टेज, 330 kV एंड अबव। एक्स्ट्रा ईएचवी ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज कहा जाएगा वो 330 kV से ऊपर का कहा जाएगा। नहीं सर, हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाते हैं। अगला सवाल, अ पैसिव नेटवर्क इज वन विच कंटेन्स, क्लास शाम को 6 बजे चलता है सर,
शाम को 6 बजे, 6 PM आते आते हमको 6, 5, 6, 10 हो जाता है। सभी लोग उतना धैर्य बनाए रखा करिए। कभी कभी जैसे अभी लैपटॉप ये देखो, ये अपडेट पर चल रहा है, ठीक है ना, ये अपडेट पर चल रहा है, इसको इंस्टॉल ऐसे ऐसे सिस्टम अभी अपडेट पर चल रहा है, इसको क्लास खत्म होने के बाद अपडेट करूँगा, ठीक। तो इसी वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। पैसिव नेटवर्क इज वन विच कंटेन्स नो सोर्स ऑफ ईएमएफ इन इट। अ पैसिव नेटवर्क विच कंटेन्स नो सोर्स ऑफ ईएमएफ इन इट, कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं रहेगा। ओके, सो डी आंसर इज राइट। नहीं सर, टाइम चेंज होने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें क्या दिक्कत हो गई, वोल्टेज अंडर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस आर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का वोल्टेज यही होगा ना। एक सेकंड रुकिए, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस विल बी एडेड एज पर द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट। टिपिकली द वोल्टेज लेवल बिटवीन 220 केवी टू 760 केवी इज कॉल्ड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस। यही होता है, ठीक है। जैसे 400 केवी की बात करी जाए तो बिहार से पानीपत की लाइन, 760 केवी की बात की जाए तो अनपरा से उन्नाव की लाइन। अल्ट्रा हाई वोल्टेज, वोल्टेज लेवल 800 किलोवोल्ट के ऊपर, 800 किलोवोल्ट के ऊपर का जो वोल्टेज है वो अल्ट्रा हाई वोल्टेज के ऊपर, वो अल्ट्रा हाई वोल्टेज में आएगा, ठीक है। तो 800 किलोवोल्ट के ऊपर है वो अल्ट्रा हाई वोल्टेज में आएगा। मुझे समझ में आ रहा है कि क्या पूछ रहा है, तभी मैंने आंसर किया। 220 केवी से लेकर 760 केवी तक का वोल्टेज जो है, 220 केवी से लेकर 760 केवी तक का वोल्टेज जो है वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में आएगा, 800 किलोवोल्ट से ऊपर का वोल्टेज अल्ट्रा हाई वोल्टेज में आएगा। आंसर कीजिए, कोल इज यूज्ड इन स्टीम पावर प्लांट, सॉरी कोल यूज्ड इन पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट होना चाहिए वैसे तो, ताकि समझदार नहीं आप, कोल यूज्ड इन स्टीम पावर प्लांट इज, कोल यूज्ड इन स्टीम पावर प्लांट इज। स्टीम पावर प्लांट में जो कोल यूज किया जाएगा वो कोल होता है आपका स्टीम कोल, बिट्यूमिनस कोल का इस्तेमाल किया जाता है, इसी को स्टीम कोल का नाम दिया गया है, बिट्यूमिनस, ठीक है। बिट्यूमिनस कोल जो है वो आपका स्टीम कोल है। इफ द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज लाइकली टू चेंज, बताओ इनमें से कौन सा पैरामीटर जो है वो चेंज होगा अगर ट्रांसमिशन टावर की हाइट बढ़ा दी गई तो। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज लाइकली टू चेंज, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और नन ऑफ द अबव। सही है भाई, आवाज कम है, आवाज नीचे। इफ द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीज, If the height of the transmission tower is increased, which of the following parameter is likely to change? Capacitance will change. Height अगर बढ़ाई जाए, ये ground है, तो tower से या wire से ground के बीच में capacitance effect होता है। अगर इसकी tower की height बढ़ाई जाए या wire की height बढ़ाई जाए, तो capacitance जो है वो आपका क्या होगा? Change होगा। बदलेगा, कम हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, वन मैक्सवेल इज इक्वल टू, एक मैक्सवेल किसके बराबर है? वन मैक्सवेल इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 8 वेबर
टेन टू द पावर फोर, ये एट प्लस में है ठीक है ना, ये प्लस है, टेन टू द पावर प्लस एट वेपर, टेन टू द पावर प्लस एट वेपर, टेन टू द पावर फोर वेपर, टेन टू द पावर माइनस एट वेपर और टेन टू द पावर माइनस फोर वेपर। रवि कुमार अब ठीक है आवाज? अरे रवि कुमार आवाज ठीक है अभी भी कम है? अरे एनर्जी रहेगी, एनर्जी की चिंता मत करो ठीक है। वन मैक्सवेल इज इक्वल टू टेन टू द पावर माइनस एट वेबर, सी आंसर इज राइट। ध्यान से देखिए, एक वेबर जो होता है वो टेन टू द पावर एट मैक्सवेल के बराबर होता है, टेन टू द पावर एट मैक्सवेल के बराबर होता है, याद रखो ये। एक मैक्सवेल पूछा है यहां पर, एक मैक्सवेल, तो एक मैक्सवेल किसके बराबर हो जाएगा यहां पर, टेन टू द पावर माइनस एट वेबर के बराबर हो जाएगा, टेन टू द पावर माइनस एट वेबर के बराबर हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट अगला सवाल है, करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ डीजल इंजन पावर प्लांट, इनमें से कौन सा डीजल इंजन पावर प्लांट का हिस्सा नहीं है? करेक्ट इनमें से कौन सा डीजल इंजन पावर प्लांट का हिस्सा नहीं है? चले गए बोल के, आवाज कम है बोल के निकल लिए, अब नहीं आएंगे बोलने ये। वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या भाई, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? पेन स्टॉक इज द राइट आंसर, नहीं हो रहा वॉइस ब्रेक भाई, सभी लोगों को तो सही समझ में आ रहा है, एक को अगर समस्या है तो आप अपना एक बार यूट्यूब वीडियो बंद करके दोबारा चालू कर लो। फिलहाल डीजल इंजन पावर प्लांट में पेन स्टॉक का कोई काम नहीं होता, पेन स्टॉक का काम होता है पानी को, ये डैम एरिया है तो पानी को ऊपर से जो है टर्बाइन पर डालने का काम जो है वो पेन स्टॉक का होता है। दिस इज द पेन स्टॉक, पेन स्टॉक एक वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम। एक अगला अगला आंसर, अगला आंसर करिए। अगला आंसर करो भाई, एसीएसआर कंडक्टर हैविंग सेवन स्टील स्ट्रेंड्स अराउंड 25 एल्यूमिनियम कंडक्टर्स, मतलब कि इस तरीके से 25 एल्यूमिनियम कंडक्टर्स हैं ठीक है, इस तरीके से 25 एल्यूमिनियम कंडक्टर हैं ठीक, उसके अंदर भी हैं कुछ ऐसे 25 एल्यूमिनियम कंडक्टर हैं और उसके अंदर सेवन स्टील स्ट्रेंड्स हैं, के अंदर सेवन स्टील स्ट्रेंड्स हैं, सेवन ठीक सेवन स्टील स्ट्रेंड्स हैं, ज्यादा स्टील स्ट्रेंड्स, के बाहर 25 हैं तो उसको हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, 25
डिवाइडेड बाई सेवन से स्पेसिफाई करते हैं, 25/7 से स्पेसिफाई करते हैं। ओके क्लियर है, 2 मिनट दीजिए, चलिए करिए। हाँ जी भाई आंसर करो, 25/7 इज द राइट आंसर, 25/7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कंप्रेसर यूज्ड इन गैस टरबाइन इज, गैस टरबाइन में जो कंप्रेसर यूज करते हैं वो कौन सा कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर यूज्ड इन गैस टरबाइन इज, कंप्रेसर यूज्ड इन गैस टरबाइन इज, ट्वेंटी फाइव बाई सेवन होता है ना, हाँ अभी अभी वापस कर लेते हैं, फिलहाल ये 25/7 होता है ना, ये तो आप लोग डिप्लोमा में पढ़े होंगे हैं। ट्वेंटी फाइव बाई सेवन से स्पेसिफाई करते हैं सर, 7/25 से नहीं। और इसका सही जवाब फिलहाल इनमें से रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होगा, जो कि हम गैस टरबाइंस में यूज करते हैं, गैस टरबाइन में जो कंप्रेसर यूज करते हैं वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। अगले क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन का आंसर करो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी सेल हैज द लोएस्ट वोल्टेज, इनमें से कौन से प्राइमरी सेल का लोएस्ट वोल्टेज होता है, लिथियम, जिंक क्लोराइड, मरकरी और कार्बन जिंक, बताओ। इसका सही जवाब हो जाएगा मरकरी। एक मरकरी सेल्स का जो प्राइमरी सेल है ये, इनका लोएस्ट वोल्टेज होता है। देखिए सेल एंड बैटरी का एक मैंने वीडियो किया था वाईफाई स्टडी चैनल पर ही, सेल एंड बैटरी इसका, जिन लोगों ने वो नहीं देखा जाकर एक बार देख लेना, उसमें कुछ भी एरर नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको क्या है, अलग अलग बैटरीज के, जो ये अलग लिथियम बैटरी, जिंक क्लोराइड बैटरी, मरकरी बैटरी, कार्बन जिंक बैटरी, अलग 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 सेल एंड बैटरी के वोल्टेजेस मैंने जो है वो वहाँ पर लिखवाए हुए हैं, ठीक। तो एक बार नोट्स बना लीजिएगा उसके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मरकरी इज द राइट आंसर। अगला अगला क्वेश्चन, एक बार नोट्स बना लीजिएगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और जितने लोग आए हो सभी लोग इस वीडियो को एक बार लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल सिस्टम का मैराथन भी करवा दूंगा, डोंट वरी, कंट्रोल सिस्टम का मैराथन भी करवा दूंगा, डोंट वरी। ओके अगला सवाल है, स्टील पोल्स फॉर ट्रांसमिशन लाइंस नीड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, स्टील पोल्स फॉर ट्रांसमिशन लाइंस नीड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, बस जहां ऑल देखा नहीं कि वहां तुरंत जो है वो लार टपकने लगती है और तुरंत गलत आंसर कर देते हो। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ आज, सुनिए ध्यान से, पहले के ट्रेंड्स में ऐसा होता था कि ऑल ऑफ द अबव को सही होने की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होती, लेकिन आज के समय में किसी भी पेपर में अगर आप ऑल ऑफ द अबव चूज कर रहे हैं तो एक बार बाकी 3 ऑप्शन जरूर पढ़िए। माना कि ऑल ऑफ द अबव सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती, लेकिन कहीं कहीं पर जहां पेपर अच्छे आए होते हैं वहां पर ऐसा जरूरी नहीं है। तो हर समय ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑल ऑफ द अबव सही है, आपका अप्रोच गलत हो जाता है, आपके क्वेश्चन पेपर को जो आप अटेम्प्ट करते हैं उसका अप्रोच गलत है। तो प्लीज अप्रोच इन अ करेक्ट वे, ठीक है ना। करेक्ट आंसर इज कोरोजन। स्टील पोल्स में एक बात बताओ, दीमक कब से लगने लग गए, स्टील पोल्स में दीमक कैसे लगेंगे ये मुझे बताओ। टर्माइट दीमक को कहा जाता है, ठीक है ना, हाँ स्टील है, तो स्टील पोल्स में टर्माइट दीमक नहीं लग सकते,
ये भी एक प्रकार का कीड़ा होता है, तो ये भी नहीं लग सकता। तो हमें कोरोजन क्षय होने से बचाना है, मतलब जंग लगने से बचाना है स्टील को। सो इसका करेक्ट आंसर कोरोजन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, करिए। इन अ सिस्टम इफ द बेस लोड इज सेम एज द मैक्सिमम डिमांड द लोड फैक्टर विल बी। एक बेस लोड जो है वो मैक्सिमम डिमांड के जितना ही है, तो कितना होगा आपका लोड फैक्टर, बताओ, आंसर करो। इन अ सिस्टम इफ द बेस लोड इज सेम एज द मैक्सिमम डिमांड देन द लोड फैक्टर विल बी 1, 0, ∞ or 1%। 1 इज द राइट आंसर। ओके, बेस लोड जो है वो मैक्सिमम डिमांड के बराबर है अगर, तो लोड फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन द एनालिसिस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग नेग्लेक्टेड, इनमें से किसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है जब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो बताइए कैसे इन्फिनिटी हो जाएगा। भाई लोड फैक्टर ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, 0 होगा नहीं, इन्फिनिटी होगा नहीं, 1% होगा नहीं। लोड फैक्टर होता है आपका पी एवरेज बाई पी मैक्सिमम, पी एवरेज बाई पी मैक्सिमम। बोथ आर सेम, बेस लोड मीन्स जो यू जो आप कंजप्शन करोगे वो मैक्सिमम के बराबर है, तो ये 1 हो जाएगा ना, कैसे इन्फिनिटी हो जाएगा। अगला सवाल, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में इनमें से किसको निग्लेक्ट कर दिया जाता है, आई स्क्वायर आर लॉसेस को, शंट एडमिटेंस को, सीरीज इम्पीडेंस को, ऑल ऑफ द अबव। सो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में इनमें से हम शंट एडमिटेंस को निग्लेक्ट कर देते हैं। देखो यहां पर भी ऑल ऑफ द अबव है, यहां पर भी जा रहे होगे तुरंत, है ना। किन किन लोगों ने ऑल ऑफ द अबव दिया था, ऑल ऑफ द अबव किसी ने दिया क्या, ऑल ऑफ द अबव नहीं दिया ना, चलिए बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो शंट एडमिटेंस पैरामीटर, मतलब कि कंडक्टेंस प्लस ससेप्टेंस, इन पैरामीटर्स को निग्लेक्ट कर देते हैं शॉर्टर ट्रांसमिशन लाइन्स, क्योंकि सीरीज इम्पीडेंस में आ जाएगा रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस तो निग्लेक्ट करते हैं माना, लेकिन ये निग्लेक्ट नहीं करते, ये कंसीडर करते, यही कंसीडर ही करते हैं। और ये भी जान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस ही कंसीडर करते हैं, तो रेजिस्टेंस निग्लेक्ट कर देते हैं, आई स्क्वायर आर नहीं निग्लेक्ट कर सकते, आई स्क्वायर आर लॉसेस भी नहीं निग्लेक्ट कर सकते। तो इट्स करेक्ट आंसर इज शंट एडमिटेंस। ओके, जो हमारे कैपेसिटेंस होते हैं, कंडक्टेंस होते हैं, उनको निग्लेक्ट कर दिया जाता है, रेजिस्टेंस होते हैं उनको निग्लेक्ट कर दिया जाता है। सो इट्स आंसर इज बी। ओके, शॉर्टर ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहा है, शॉर्टर ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहा है। पीरियड ऑफ द वेव इज, पीरियड ऑफ द वेव इज द सेम एज द फ्रीक्वेंसी, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर्स, नन ऑफ द अबव। पीरियड ऑफ द वेव इज, पीरियड ऑफ द वेव इज, तो इट्स करेक्ट आंसर इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन साइकिल, करेक्ट आंसर इज बी। एक साइकिल को कंप्लीट कराने में लगा समय टाइम पीरियड कहलाता है। This is time period. अगला सवाल है, करो आंसर। आंसर करो भाई, क्या 0 होगा, क्या 0 होगा भाई,
power factor of a system on a 460 volt 3 phase 60 hertz in which the ammeter indicates 100 ampere and wattmeter indicates 60 watt will be? Batao. The power factor of a system on a 460 volt 3 phase 60 hertz in which the ammeter indicates 100 ampere and wattmeter indicates 60 watt. Slope kya rahe 0.77 8. चलिए देखते हैं क्या आंसर है. चूंकि वॉट मीटर है आपका रीडिंग 62 किलोवाट की, आरएमएस वैल्यू 460 गिवन है, ठीक है ना, 100 एम्पियर करंट गिवन है, कॉस फाई थ्री फेज है, एल आई एल कॉस फाई ही इंडिकेट करता है वॉट मीटर, रूट थ्री मत लगाइएगा. कॉस फाई इज इक्वल टू 62 किलोवाट है, 62,000 डिवाइडेड बाई 460 मल्टीप्लाई बाई 100. फिलहाल ये कट जाएगा एक दो 62/46. एक सेकंड रुको. 2 वाट मीटर है क्या पावर फैक्टर ऑफ अ सिस्टम ऑन अ 400 62,000 3 टाइम्स ऑफ 460 एक वॉट मीटर से ही मेजर किया लग रहा, एक वॉट मीटर से इंडिकेट किया है, एक वॉट मीटर ही यूज किया है मेजर करने के लिए. 62,000 डिवाइडेड बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 460 डिवाइडेड बाई 0.77. सो कॉस फाइव बराबर आ जाएगा 0.77. करेक्ट आंसर इज 0.7. बी आंसर इज राइट. चलिए बी आंसर इसका सही जवाब है भाई, बिल्कुल सही जवाब. नेक्स्ट अगला ए अ सिटी इज कनेक्टेड इन डैश विद द लाइन. अ सिटी इज कनेक्टेड इन डैश विद द लाइन. एक सिटी को किसके लाइन के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, एक सिटी को लाइन के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है. सिटी इज कनेक्टेड इन डैश विद द लाइन. सीरीज में अक्रॉस बोथ ए एंड बी और नॉट कनेक्टेड. सीरीज में कनेक्ट किया जाता है सिटी को, ठीक है, अक्रॉस नहीं. प्राइमरी जो होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है. करेक्ट आंसर इज ए. करेक्ट आंसर इज ए. ओके नेक्स्ट. आर्मेचर रिएक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड डीसी मशीन इज. अनसैचुरेटेड डीसी मशीन, अनसैचुरेटेड डीसी मशीन. आर्मेचर रिएक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड डीसी मशीन इज. आर्मेचर रिएक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड डीसी मशीन इज. आर्मेचर रिएक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड डीसी मशीन इज. आंसर करो भाई. यस वेरी गुड. क्रॉस मैग्नेटाइजिंग. क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक है. अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि जो हमारे फील्ड मैग्नेट्स हैं वो सैचुरेट हो ही नहीं रहे हैं कभी, ठीक है ना. फील्ड मैग्नेट सैचुरेट नहीं हो रहे. तो अनसैचुरेटेड डीसी मशीन पर डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट नहीं होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा, है ना, कंप्लीटली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट. ए आंसर इज राइट. नेक्स्ट अगला सवाल है करो. डीसी मशीन में मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन किसने देखा है भाई, ये बता दो मुझे. डीसी मशीन में मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन देखने को मिलता है क्या? डीसी मशीन में मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट सिर्फ लीडिंग पोल टिप्स पर देखने को मिलता है, और अगर हम आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट की बात की जाए तो वहां पर प्रैक्टिकल डीसी मशीन्स में सैचुरेटेड जब डीसी मशीन्स की बात होती है
स्लाइटली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और स्लाइटली डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट तो देखने को ही नहीं मिलता, वो सिर्फ लीडिंग पोल टिप्स पर, सॉरी ट्रेलिंग पोल टिप्स पर, नॉट लीडिंग, ट्रेलिंग पोल टिप्स पर आपको मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि सारी की सारी लाइन्स एक जगह एकत्रित हो जाती है, मैग्नेटाइजिंग नहीं हो सकता। जब अल्टरनेटिंग करंट कंडक्टर से पास होता है तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, इट रिमेन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पोर्शन ऑफ द कंडक्टर नियरर द सरफेस कैरीज मोर करंट एज कंपेयर टू द कोर। एसी जब अल्टरनेटिंग करंट पास करोगे तो स्किन इफेक्ट देखने को मिलेगा, और स्किन इफेक्ट में क्या होता है कि सरफेस पर कंडक्टर ज़्यादा करंट कैरी करता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की वजह से भी ये होता है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में कंडक्टर के बीच में स्पेसिंग कम होने की वजह से सरफेस जो है वो ज़्यादा करंट कैरी करता है एज कम्पेयर टू द कोर। तो करेक्ट आंसर इज बी, एक लेस करंट नहीं होगा और इंटायर करंट पासेस थ्रू द कोर नहीं, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अगला सवाल है, इंडक्शन फर्नेसेस आर यूज्ड फॉर, इंडक्शन फर्नेस किसके लिए यूज की जाती है, इंडक्शन फर्नेसेस आर यूज्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम, हीटिंग इंसुलेटर, हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग और ऑल ऑफ द अबव। इंडक्शन फर्नेस आर यूज्ड फॉर हीटिंग ऑफ एल्यूमिनियम, सॉरी मेल्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम, हीटिंग इंसुलेटर, हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग, ऑल ऑफ द अबव। बताओ भाई, तो इट्स करेक्ट आंसर इज हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग, सी आंसर इज राइट, ओके, हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग। पता था मुझे तुरंत आप गलत जवाब दोगे ऑल ऑफ द, अरे सर इंडक्शन फर्नेसेस आर यूज्ड हीट द कंडक्टिंग मीडियम्स, कंडक्टिंग मीडियम को हीट करने के लिए यूज किया जाता है, कास्टिंग को हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग्स करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है ना, मतलब सारे प्रोसेसेस अनीलिंग, क्विंचिंग, सारे प्रोसेसेस करने के लिए यूज किया जाएगा हीट इंडक्शन फर्नेस। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, कुछ लोगों ने ऑल ऑफ द अबव दे दिया। फॉर डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या कंडीशन सही है, ईब है, अभी वही बताते जा रहा हूं, फिर भी पूछ रहे डी बी नहीं होगा, अरे इंसुलेटर लिखा है, बोलते जा रहा हूं कि कंडक्टिंग मीडियम को हीट करने के लिए यूज किया जाएगा, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इंसुलेटर्स को हीट करने के लिए यूज किया जाता है, फिर भी कह रहे हैं बी नहीं होगा। श्वेता भारती, क्या सुनाई नहीं पड़ता या क्या ईयरबड्स लगे हैं कान में, दिक्कत क्या है? अच्छा ये कर रहे थे हम, तो एल बाई आर टाइम कांस्टेंट जो है वो बराबर होना चाहिए डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए, दैट मींस इसको हम लिख सकते हैं देखो L by R किधर आ रहा है, L by R बराबर में RC, इसी में आ रहा है क्या RC R by L, ये में ही आ रहा है मुझे लग रहा है, G by C ये हो जाएगा, G is 1 by R, ये है आपका 1 by R divided by C, L by R is equals to RC, हाँ यही है, ये ऑप्शन इज राइट, ये ऑप्शन इज राइट, L by R is equals to G by C, ये ऑप्शन इज राइट, ठीक। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
For arc heating, the electrodes used are made of. आर्क हीटिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? बताओ भाई, आर्क हीटिंग के लिए इलेक्ट्रोड जो यूज किए जाते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? वो ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं। आर्क हीटिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं वो ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं। ये क्वेश्चन रह गया था। स्पीड कंट्रोल ऑफ वार्ड लियोनार्ड मेथड गिव्स यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएशन, बताइएगा। स्पीड कंट्रोल बाय वार्ड लियोनार्ड मेथड गिव्स यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएशन। सभी लोगों को, जितने भी हमारे उपस्थित छात्रगण हैं, उन सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि इसी का पार्ट टू DFCCIL based mock test जो आप अभी देने आए हैं, DFCCIL based mock test जो आप अभी देने आए हैं, उसका पार्ट टू जो है वो आपका रात में 9 बजे है, 9 PM पर यूट्यूब पर, ठीक है ना। अभी से ठीक दो घंटे बाद इसी का पार्ट टू भी है, तो सभी लोग वहां पर भी लाइव आइएगा। अभी से ठीक दो घंटे बाद आपका यूट्यूब पर पार्ट टू है इसका, वहां पर लाइव आइएगा, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल करिए। इसका आंसर हो जाएगा बोथ डायरेक्शन। वार्ड लियोनार्ड मेथड के द्वारा जो स्पीड कंट्रोल की जाती है वो यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएशन देता है दोनों डायरेक्शन में। यही इसका एक एडवांटेज है कि ये दोनों डायरेक्शन में आपको स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं आप। अगला सवाल है, हाईएस्ट वोल्टेज फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा किस वोल्टेज पर पावर ट्रांसमिट की जा रही है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा, हाईएस्ट वोल्टेज फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इंडिया इज 400 KV। करेंटली 760 KV पर भी ट्रांसमिशन हो रहा है, करेंटली 760 किलोवोल्ट पर भी ट्रांसमिशन इंडिया में हो रहा है। नाव और अनपरा उन्नाव के बीच में, ग्वालियर आगरा के बीच में ट्रांसमिशन जो है वो भी 760 किलोवोल्ट की है, 765 किलोवोल्ट की है। एक बार चेक कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा इंडिया में कहां कहां पर। अगला सवाल है, जब दो कंडक्टर्स दोनों की रेडियस r है, एक डिस्टेंस d पर है, तो कैपेसिटेंस दोनों के बीच में किसके प्रोपोर्शनल होगा? दोनों के बीच में कैपेसिटेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा? log टू द बेस e d बाई r, log टू द बेस e r बाई d, 1/log टू द बेस e d बाई r, log टू द बेस e r बाई d, 1/log टू द बेस e r बाई d। सात सौ साठ बोलो, 765 बोलो, नियरर टू दिस वोल्टेज ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है ना। आंसर कीजिए इसका। फिलहाल इसका सही जवाब है सी, लॉग 1/log टू द बेस ई डी बाई आर, ठीक है ना। कैपेसिटेंस जो है वो आपका यही हो जाता है, प्रोपोर्शनल बोला, प्रोपोर्शनल। फिलहाल कैपेसिटेंस का जो एक्सप्रेशन है हो जाता है 4πε₀εr डिवाइडेड बाई लॉग टू द बेस ई डी बाई आर। ये डी आपका स्पेसिंग होता है और आर जो है वो रेडियस ऑफ द कंडक्टर होता है, ये होता है, फोर नहीं है, टू पाई, पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई लॉग टू द बेस ई डी बाई आर। करेक्ट आंसर इज प्रोपोर्शनल टू सी। ओके, नेक्स्ट। The power factor will be leading in case of induction heating, resistance heating, dielectric heating or electric arc heating. The power factor will be leading in case of. Correct answer is dielectric heating. क्योंकि dielectric heating is used to heat insulators like plastic, wood. हीट किया जाता है,
एक प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स के बीच में हम मटेरियल रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से प्लेट्स के बीच में मटेरियल रखा जाता है तो एक कैपेसिटेंस फॉर्म करता है, एक कैपेसिटेंस। ओके, तो करेक्ट आंसर इज सी। अगला सवाल, अगला सवाल आंसर करो भाई। द पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर इज ड्यू टू, द पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर इज ड्यू टू रोटर लीकेज रिएक्टेंस, स्टेटर रिएक्टेंस, द रिएक्टिव लैगिंग मैग्नेटाइजिंग करंट व्हिच इज नेसेसरी टू जनरेट द मैग्नेटिक फ्लक्स, और ऑल ऑफ द अबव। ड्राइंग पेंट के लिए, पेंट को सुखाने के लिए डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग करते हैं, है ना, पेंट को सुखाने के लिए डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग करते हैं। करवा चुका हूं मैं ये। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नहीं भाई, सबके वजह से होगा, कैसी बात करते हो। पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर में रोटर लीकेज रिएक्टेंस की वजह से भी होगा, स्टेटर रिएक्टेंस की वजह से भी होगा, ऑल ऑफ द अबव, सभी की वजह से होगा, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट की वजह से भी। अरे भाई, इनमें से एक भी वैरी करेगा तो पावर फैक्टर कम या ज्यादा होगा ना, वैरी करेगा भाई। ओनली सी, डी आंसर इज राइट। किसी ने डी नहीं दिया जिसमें डी है, क्या दिया है दूसरा ऑप्शन, क्या दिया है दूसरा ऑप्शन में बताइए। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया है, फिलहाल इसका करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। अल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेजेस, क्यों हम अल्टरनेटिंग करंट जो है वो हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करते हैं। भाई साहब एक बात बताओ, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, वो होता है आपका आर टू डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट टाइम्स ऑफ आर टू डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू डैश का होल स्क्वायर, है आर टू डैश बाई जेड, एक स्लिप पर डिपेंडेंट है, तो आर टू डैश बाई एस, आर टू डैश बाई एस का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू डैश का होल स्क्वायर, यही है ना पावर फैक्टर, यही है कि कुछ और है बोलो। है तो कैसे नहीं हो सकता बोलो, बिल्कुल हो सकता है, एक्स टू डैश पर डिपेंड क्यों नहीं करेगा पावर फैक्टर, कॉस फाई एक्स टू डैश पर डिपेंड क्यों नहीं करेगा। जब एक्स टू डैश बढ़ेगा तो इम्पीडेंस और ज्यादा हो जाएगा, पावर फैक्टर और कम हो जाएगा। और रही बात स्टेटर के रिएक्टेंस की, माना कि स्टेटर का रिएक्टेंस बहुत कम होता है, माना बहुत कम होता है, बट अगर यहां पर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में है तो हमें तो इसको भी इफेक्ट में लेना पड़ेगा ना, ड्रॉप तो कहीं ना कहीं उसमें भी होता है, ड्रॉप तो कहीं ना कहीं उसमें भी होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा टू मिनिमाइज द ट्रांसमिशन लॉसेस, अल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड एट हायर वोल्टेजेस ताकि हम ट्रांसमिशन लॉसेस को मिनिमाइज कर सकें। यस, करेक्ट ऑप्शन इज बी, बिकॉज द पावर लॉसेस, देखो पावर होती है आपकी वी आई कॉस फाई, बहुत सारे लोगों को नहीं पता रिलेशन, मैं आपको बता दूं आज, E बराबर वी आई कॉस फाई, आई इज इक्वल टू हो जाएगा पी डिवाइडेड बाई वी कॉस फाई, आपका पावर लॉस होता है आई स्क्वायर आर, जो कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन में हो रहा है, आई स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा के इसमें रख दीजिए, पी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू आर, तो आप देख सकते हैं कि जो पावर लॉस है वो आपका इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू पी स्क्वायर है, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतने ही कम ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज होंगे। का सही जवाब हो जाएगा आपका बी। विच अमंग द फॉलोइंग केबल्स आर जनरली सूटेड फॉर वोल्टेज अप टू 11 केवी, 11 केवी के लिए इनमें से कौन सी वोल्ट, कौन सी केबल जो है वो सूटेड है 11 किलो वोल्ट के लिए। आंसर कीजिए, विच अमंग द फॉलोइंग केबल्स आर जनरली सूटेड फॉर वोल्टेज अप टू 11 केवी, दैट इज बेल्टेड केबल, बेल्टेड केबल जो है वो 11 केवी के लिए सूटेबल है, प्रेशर केबल जो है वो 11
प्रेशर केबल जो है वो 66 केवी से ऊपर के लिए सूटेबल है, स्क्रीनड केबल 11 केवी से 66 केवी के बीच में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए। व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर टोटल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, जब दो कैपेसिटर्स आपके सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो टोटल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है, सेम रहता है, रिड्यूस कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और नन ऑफ दीज। सो इट्स करेक्ट आंसर इज रिड्यूसेस, क्योंकि सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो रिड्यूस कर जाता है। बी आंसर इज राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आंसर करो। इन एन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर इफ द वोल्टेज एंड करंट मेजर्ड आर गिवन बाई वी बराबर 100 sin 340 t, वी इज इक्वल्स टू एंड आई इज इक्वल्स टू 10 sin 314 t -60 degree रिस्पेक्टिवली, द रीडिंग विल बी, बताइए। आंसर कीजिए भाई। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वॉटमीटर में वोल्टेज और करंट की वैल्यू दी गई है, वॉटमीटर की रीडिंग क्या होगी? वी आर एम एस 100/√2, आई आर एम एस 10/√2 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री, एक तो आपका ये हो जाएगा 500 × 1/2, दैट इज 250 वॉट्स। करेक्ट आंसर इज 250 वॉट इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, एक बार आंसर करो, ठीक है। चलो तो ये थे कुछ सवाल, बाकी के सवाल होंगे आपके अगली क्लास में रात को 9 बजे, ठीक है ना। यहीं पर यूट्यूब सेशन में रात को 9 बजे सभी लोग लाइव आइएगा, 9 PM पर हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे, ओके। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ये कुछ क्वेश्चंस अभी भी बचे हुए हैं, और भी क्वेश्चंस मैं ले आऊंगा, तो आपके 96 क्वेश्चंस टोटल मिलाकर सॉल्व करवा लिए जाएंगे। और ये आपके सब्सक्रिप्शन प्राइसेस हैं, 9 PM पर सभी लोग लाइव आना मत भूलिएगा, 9 PM पर, इसी अभी 2 घंटे बाद, अभी से दो घंटे बाद 9 PM पर लाइव आना मत भूलिएगा सभी लोग, ठीक है। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन कुछ इस रेट में मिल रहा है, डिस्काउंट रेट्स पे, और आपका 12 महीने का सब्सक्रिप्शन भी इस रेट पे 8100 पे मिल रहा है, बशर्ते आपको कोड यूज करना होगा ASHISH10। सब्सक्रिप्शन ले लीजिए यूजिंग दिस कोड। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में 9 PM पर, तब तक के लिए धन्यवाद सभी का उपस्थित होने के लिए। सभी लोग 9 PM पर भी उपस्थित हो जाइएगा। लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू वॉन्ट हैव डन येट। मुलाकात होगी आपसे 9 PM पर, और 8 बजे स्पेशल क्लास भी है, उस पर भी 2 घंटे क्लास है, 8 से 10 लगातार, एक स्पेशल पर और एक यूट्यूब पर। तब तक अपना ध्यान रखिए, चाय पानी पी के आइए, अभी पी के आता हूँ। मिलते हैं आपसे एक क्लास।